स्टैंडर्ड 9th मैथ्स ज्योमेट्री चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.3। बिफोर वी सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट लेट्स अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ विच वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट। नाउ सी व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड हाउ टू कन्वर्स देम। सो सी एक कंडीशनल स्टेटमेंट यानी एक किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को व्हेन वी चेंज इट फ्रॉम इफ बाय इफ एंड देन सो दैट स्टेटमेंट इज सेड टू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट। मीन्स इफ मीन्स अगर देन मीन्स तब। फॉर एग्जांपल सी इफ यू आर गोइंग टू स्टडी हार्ड देन यू विल पास। सो सी इफ और देन में स्टेटमेंट बना सो दैट इज सेट टू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस लाइन द डायगनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। सो नाउ हाउ वी विल चेंज दिस स्टेटमेंट इन टू इफ एंड देन। नाउ सी द डायगनल ऑफ अ रॉम्बस या दे आर टॉकिंग अबाउट रॉम्बस। रॉम्बस की बात हो रही है। क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सो सी सो इफ द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रॉम्बस। रॉम्बस की बात हो रही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इफ वी हैव टू चेंज दिस सिंपल स्टेटमेंट इन टू अ कंडीशनल स्टेटमेंट। सो इफ द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ रॉम्बस देन अगर दिया हुआ क्वाड्रिलेटर रॉम्बस है तो देन इट्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सो अ सिंपल स्टेटमेंट हैज़ बीन चेंज इन टू इफ एंड देन दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। सो नाउ सी व्हाट इज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट मीन्स व्हाट? व्हेन स्टेटमेंट इज रिटन आफ्टर इफ दैट स्टेटमेंट इज सेड टू बी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। देन के बाद वाला स्टेटमेंट कॉन्सिक्वेंट होता है। नाउ सी नाउ द सेम स्टेटमेंट इफ वी हैव टू राइट इन कन्वर्स फॉर्म। कन्वर्स यानी उल्टा, दिए हुए का उल्टा। सो अभी उल्टा कैसे लिखेंगे? ये वाला स्टेटमेंट एंटीसीडेंट बन जाएगा इफ वाला, और जो फर्स्ट है दिस स्टेटमेंट विल बिकम देन, दैट मीन्स कॉन्सिक्वेंट। नाउ सी इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। यानी जो दिया हुआ क्वाड्रिलेटर है उसका डायगनल्स अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे से देन इट इज अ रॉम्बस। सो व्हाट वी डिड? हमने उल्टा कर दिया, कन्वर्स कर दिया। दोनों ही केस में वी गॉट ट्रू। हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू साबित हुआ। ओके, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। जब हम कन्वर्स करते हैं ना, मेनी अ टाइम वी गेट फॉल्स, तो कभी कभी रॉन्ग आ जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाइल डूइंग सम्स वी विल कम अक्रॉस सम इंटरेस्टिंग सम्स। नाउ राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ एंड देन फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट वन, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो रही है, सो उसको क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। इफ सो इफ एंड देन फॉर्म में लिखने ना। सो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम की बात हो गई। देन द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इन दिस वे यू हैव टू चेंज द सिंपल स्टेटमेंट्स इन इफ एंड देन फॉर्म।
Okay, second question. The diagonals of a rectangles are congruent. So rectangle, they are talking about rectangle. So इसको quadrilateral बोलेंगे. If we have to write with if a quadrilateral is a rectangle, अगर दिया हुआ quadrilateral rectangle है then its diagonals are congruent. Okay, now third one. If an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. So here, isosceles triangle they are talking about. So if a triangle is an isosceles, then segment joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base. Okay, second heading, write converse of the following statement. Converse means ulta likhna hai. So, means uska opposite. The alternate angles formed by two parallel lines are that transversal are congruent and that transversal are congruent. So, see, parallel lines ka alternate angles. So, we will write if alternate angles formed by two lines and its transversal are congruent, then the lines are parallel. See, we did reverse. First, what they have said ki already parallel lines mention kar diye the ki do parallel line hai aur uske do alternate angles hai. So ye kisse bana? Transversal or congruent. So we did reverse. If alternate angles formed by two lines, दो लाइन्स अगर अल्टरनेट बना एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट द लाइन्स आर पैरेलल. नाउ सेकंड वन, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंटरी देन द लाइन्स आर पैरेलल. सो कन्वर्स विल बी, अभी उल्टा करेंगे. इफ टू पैरेलल इसको उल्टा बनाएंगे. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल then interior angles so formed are supplementary. Okay, so this is the reverse form. Now third one. Okay,
थर्ड वन, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सी दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस आर द डायगोनल्स. सो इसको कन्वर्स करना है, उल्टा करना है. सो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, ये रेक्टेंगल को क्वाड्रिलैटरल वी विल से आर कॉन्ग्रुएंट, यानी हमने रेक्टेंगल को नाम नहीं दिया, देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल. ओके, here we come to end of our practice set 1.3. if you like the video, please like, share and comment.